नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो इंटरव्यू रहने वाला है दोस्तों, काफी खास रहने वाला है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने SSC CGL का जो एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन लेवल पे कंडक्ट किया जाता है, लगातार 9 बार निकाला है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं मिस्टर मयंक। सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले सवाल सर मेरा आपसे ये है कि लगातार जो 9 बार आपने CGL निकाला, इसके पीछे की जो रणनीति है उसके बारे में तो हम बात करेंगे, पहले थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में। मैं अपनी बात 2 लाइन के साथ शुरू करना चाहूंगा। जी सर। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो जहां तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। प्यारे बच्चों, अक्सर आपको लगता होगा कि जो भी SSC CGL या कोई भी सरकारी एग्जाम निकालते हैं उसके लिए कोई बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल से या बहुत बड़ी अच्छी मैथमेटिक्स या बहुत शानदार इंग्लिश पढ़े हुए होते हैं, तो वो मिथ जो आपके दिमाग में रहता है, पहले मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा। सर एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे जो यूपी बोर्ड के बच्चे, खास करके स्टेट बोर्ड, जैसे कोई सा यूपी बोर्ड हो गया, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यहाँ के बच्चे इंग्लिश से बहुत ज्यादा डरते हैं। ये मन में रहता है कि सर CGL तो कोई निकालता है जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है, CBSE वाला, ICSE वाला, तो इसको थोड़ा सा कंफर्म करिए कि सर किस तरीके से, मतलब ये जो मिथ रहता है इसी को मैं बताना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, मैंने अपनी 12वीं कक्षा सरस्वती विद्या मंदिर, जो कि एक हिंदी मीडियम था, उत्तर प्रदेश बोर्ड से की है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने 12वीं में इंग्लिश नहीं पढ़ी, मैंने इंग्लिश की जगह कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, तो मैंने सिर्फ इंग्लिश 10वीं क्लास तक पढ़ी है। जब मेरा जैसा बच्चा क्लियर कर सकता हो, आप तो पक्का कर सकते हैं। मैथ्स की बात करते हैं सर, मैथ्स में मेरे 12वीं कक्षा में सिर्फ 50 नंबर थे, मैं कोई 98-99 नंबर लाने वाला नहीं हूँ, तो मेरे सिर्फ 50 नंबर थे 12वीं कक्षा में। उसके बाद मैंने एक प्लानिंग और एक स्ट्रेटेजी का फॉलो किया जिसकी वजह से एग्जाम क्लियर हुआ। तो अगर आपने क्या पढ़ा है पहले, क्या नहीं पढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने पहले अच्छी पढ़ाई नहीं की वो और भी अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि आपको भूलने की जरूरत नहीं है, तो आप एकदम नए सिरे से नई शुरुआत कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने 12वीं क्लास, मैंने जैसा कि आपको बताया, हिंदी मीडियम से की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में की जामिया इस्लामिया से, जामिया जो दिल्ली में है। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने MBA फाइनेंस एंड मार्केटिंग किया। ये कहाँ से किया सर आप? ये भी मेरा जामिया मिल्ला इस्लामिया सर। अच्छा, ये भी आपने वहीं से किया जी। तो सर अब मेरा एक सवाल ये है कि आपने MBA किया था और MBA के बाद तो MNC वगैरह में आप जा सकते थे, आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते थे, मतलब काफी अच्छे पैकेज पर नौकरी कर सकते थे। तो आपके मन में ये कब आया कि भाई चलो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ रुख किया जाए या फिर SSC CGL को निकाला जाए, ये कहाँ से सर आपके मन में आया? मैं इसमें बहुत मतलब ब्लंट और एकदम क्लियर चीज बताना चाहूंगा आपको। मेरा कभी कोई प्लान नहीं था कि मैं सरकारी नौकरी में जाऊं या मेरा इनकम टैक्स में बचपन से जाने का सपना था, ऐसा कुछ भी नहीं था। MBA में क्या हुआ था, मेरे काफी फ्रेंड थे जिनका पहले प्लेसमेंट हो चुका था। अब वो क्या करते थे, मैं उस टाइम सराय जुलाना जामिया के पास एक जगह है, वहां पर रहता था। मैं सुबह 9 बजे उठ के चाय पीने जाता था। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका था तो वो 894 के पीछे भागते थे। 894 एक बस का नाम है जो जामिया से आपका कनॉट प्लेस तक लेके जाती थी। तो मैंने देखा कि यार सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के और ये जॉब करना अपने से ना हो पाएगा भैया। अच्छा, तो कुछ और अल्टरनेट निकालते हैं। तो मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है किशोर, उसने मुझे बताया SSC का फॉर्म भर दो, आराम से 11 बजे जाना होता है, शाम में 4 बजे आगा सरकारी नौकरी। हालांकि ऐसा है नहीं, अब गलत फहमी में मत रहना, ठीक है, बायोमेट्रिक है, प्रॉपर जाना पड़ता है आपको। तो मैंने वो चीज ध्यान में रखते हुए मैंने SSC का फॉर्म भरा। चूंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता रहा था, ठीक है, तो मेरा मैथमेटिक्स ठीक था। तो उसके साथ 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 मैंने मैथ्स किया, इंग्लिश की मैंने थोड़ी सी तैयारी की, एक तरीके हैं क्या क्या चीजें कैसे, मैथ्स की भी अच्छे से तैयारी की, वो मैं आपको ड्यूरिंग द वीडियो बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो उसके बाद फिर मेरा ये दूसरा सवाल सर मेरा आपसे ये है, कुछ बच्चों के सवाल मेरे पास आए हैं, मैंने वो सब पेपर पे लिख रखे हैं जिससे कि मैं वन आपसे सवाल कर सकूं। सर CGL का फर्स्ट टाइम आपने फॉर्म कब भरा था और कब इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मतलब मूल जमा मेरा ये है पूछने का आपसे कि मतलब कितना समय इसमें लगना चाहिए और इसकी तैयारी हमें कब से शुरू कर देनी चाहिए, मतलब 12th के बाद जैसे हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लें तब से शुरू कर दें या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद इसके बारे में सोचा है? आपका एकदम सही क्वेश्चन है। पहले मैं अपना बता देता हूँ। देखो, मेरा सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है, सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग होती है। जैसे मैंने बताया मेरा मैथ्स ठीक हो गया था ओवर द टाइम पढ़ाते पढ़ाते, तो मैंने सिर्फ MBA के फाइनल सेमेस्टर यानी 2013 में मैंने भरा था और मैंने एक महीने से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की थी। मेरा पहले मॉक टेस्ट में 44 मार्क्स थे, आप समझ रहे हैं, जब कट ऑफ 102-103 जाती थी उस टाइम पे 2013 में, जो बाद में पढ़ी थी। 200 नंबर का पीरियड रहता था, 50-50 नंबर के सेक्शन रहते थे उस टाइम की बात आप। तो मैंने क्या किया, एक महीने मॉक टेस्ट लगाया, मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग होती है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चे 12वीं कक्षा के छात्र हैं
उनको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। उसका अगर कोई एसएससी का प्लान कर रहा है, हाँ, उसका रीजन मैं बताना चाहूंगा, आप 12वीं कक्षा की तैयारी करते करते साथ में एसएससी सीएचएसएल क्लियर कर लीजिए, जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है, उसको क्लियर करने के बाद आप एसओएल से इग्नू से अपना ग्रेजुएशन डाल दीजिए। तो आप क्या करोगे, जॉब लेते हुए आप पैसे अर्न करते हुए अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, ग्रेजुएशन के बाद सीजीएल क्लियर करें, क्योंकि सिलेबस सीएचएसएल और सीजीएल का एकदम सेम होता है, थोड़े से लेवल का फर्क होता है। आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितने लेवल हाई करते जाएंगे, आपका सीजीएल भी क्लियर हो जाएगा। तो जो गलती मैंने की, मैंने बीएससी की, एमबीए की, अगर मुझे किसी ने गाइड किया होता तो शायद मैं बीएससी केमिस्ट्री या ये सब नहीं करता, सीधा 12th का सीएचएसएल की तैयारी करता, एग्जाम क्लियर करता, जॉब लेता और साथ में फिर सीजीएल की तैयारी करता। दूसरी बात ये कि सर, जैसे आपने बताया कि आपने 12th जो किया है वो मतलब स्टेट बोर्ड से किया, उत्तर प्रदेश बोर्ड से, आपकी इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं रही होगी मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी उसी फील्ड से रहा हूं। तो फिर इंग्लिश को कवर करने के लिए आपने किस तरह की, देखिए दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा। मैं 12th क्लास में, मतलब मुझे बेसिक मैं पढ़ा था, मैंने अम्ल, लवण, क्षार, नाव के विखंडन, संलयन, ऐसी चीजें पढ़ के आया था। उस टाइम पे आपका मोबाइल इतना नहीं था, इतना एक्सेस नहीं था, तो मैं छोटी सी डिक्शनरी यूज करता था, उस डिक्शनरी से मैंने वन वर्ड बाई वन वर्ड अपनी प्रैक्टिस की, तब मैं वहां तक पहुंचा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अक्सर वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। इसमें क्या है कि सर, इंग्लिश का एक बड़ा रोल रहता है, बिल्कुल डेफिनेटली। अगर हम बात करें खास करके 350 नंबर का सीजीएल की, सीजीएल की हम बात करें तो 350 नंबर का सर जहां इंग्लिश है, तो इस दौरान सर आपने किसी कोचिंग वगैरह की कोई सहायता ली हो या फिर कोई ज्वाइन करा हो इसके अलावा? कोई आपने एकदम क्लियर करना चाहूंगा, मैंने कोई भी किसी भी तरह की कोचिंग नहीं की, मेरे टाइम पे यूट्यूब भी नहीं था। हाँ, उस टाइम तो आप काफी इन्फॉर्मेशन गैप। हाँ हाँ हाँ, कुछ और सवाल सर मेरे आए हैं बच्चों के जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। चलो सर, अगला सवाल आपसे ये है, बाकी आपने जो एग्जाम अपना निकाला था तो 2015 शायद आपने बताया था, अक्टूबर 2015 मैंने ज्वाइन किया था, मेरा पेपर 2013 था। तो अभी आप इनकम टैक्स में जॉब कर रहे हैं, अभी कहाँ पोस्ट है सर? मेरा अभी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, उसका सेकंड फ्लोर पूरा इनकम टैक्स का है, तो उसमें मेरा डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स एचआरडी में मेरी पोस्टिंग है, यानी दिल्ली में, दिल्ली जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में शायद। तो इस वीडियो को बनाने का जो हमारा पर्पस था वो यही था कि एसएससी की तैयारी, अब इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी जो छात्र हमारे करना चाहते हैं, उन लोगों को एक डर लगा रहता है कि यार यूपी बोर्ड से इंग्लिश को कैसे कवर किया जाए, मैथ को, बहुत सारे बच्चे मैथ में कमजोर होते हैं, तो वो सोचते हैं कि सर सीजीएल तो हमारे बस की बात है नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर आपसे कि अगर सही रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए तो सीजीएल भी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं? नहीं बिल्कुल। अब सवाल सर आपसे ये है कि आपने 2015 में जो एग्जाम निकाला था, और आपकी ज्वाइनिंग भी 2015 वाले एग्जाम से हुई है, 2013 वाला एग्जाम था, 2015 में आपकी ज्वाइनिंग हुई, ऐसा है? तो आप बता रहे कि आपने 9 बार लगातार सीजीएल निकाला, तो इसके पीछे सर जब आपका एक बार सिलेक्शन हो गया था, थोड़ा सा मतलब नहीं, नहीं, बच्चों के मन में आया कि किसी व्यक्ति का एक बार सिलेक्शन हो गया तो फिर उसने 9 बार सीटें क्यों खराब की? बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है ना कि एक बार सिलेक्शन हो गया तो बात खत्म हो गई, हम अपनी दूसरी फील्ड की तैयारी करेंगे, आईएएस सिविल या यूपीएस या कुछ भी कर सकते हैं। तो 9 बार ये बच्चों का सवाल रहेगा कि सर 9 बार सर ने क्यों बच्चों की सीटें खराब की है, तो इसको और क्लियर करिए। बिल्कुल, देखो इसका सबसे पहले बताना चाहूंगा, 2013 का जो एग्जाम था वो कैंसिल हो गया था, प्री हुआ, मेंस हुआ, फिर कैंसिल हो गया। अच्छा, 13 वाला एग्जाम। हाँ, 13 वाला, उसके बाद फिर से प्री हुआ, फिर मेंस हुआ। तो इस दौरान 2014 का एग्जाम आ चुका था, 2013 की श्योरिटी नहीं थी, तो 2014 का मुझे इसलिए भरना पड़ा, इसलिए पूरा एग्जाम दिया, मुझे उसमें एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी। अब बात करते हैं 2015 की, 15, 16, 17, 18, 19 हर साल मैंने एग्जाम क्लियर किया, वो इसलिए मैंने कभी भी फाइनल सिलेक्शन तक नहीं किया, मैं प्री देता हूँ, मेंस देता हूँ, पेपर थर्ड छोड़ देता हूँ। रीजन विंग की थी कि सीट खराब ना, सीट खराब ना हो, तो इसलिए ये होता है कि फिर जो बच्चे बैकएंड में रह गए उनका मौका मिले, उनको एग्जाम देने का पर्पज ये रहता है कि मैं आज भी कई सारे बच्चों को गाइड करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग सेवाओं में, दिल्ली पुलिस, सीबीआई, हर जगह है, तो उनको अगर आपको गाइड करना है तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, किस तरह का पैटर्न आ रहा है, कितने टाइम में आप कर पा रहे हो, तो उन चीजों से अपडेटेड रहने के लिए मैं हर बार एग्जाम देता हूँ। इस बार सिर्फ नहीं दे पाया क्योंकि मैं चश्मे वाला फोटो लगा दिया और मेरा फोटो रिजेक्ट हो गया, इस बार नहीं दे पाया, इस बार नहीं दे। तो सर हम आपसे अगर जैसे बस बहुत आपका धन्यवाद है सर कि आपने अपना कीमती समय, क्योंकि इनकम टैक्स वालों के पास तो इतना समय नहीं होता है, और संडे है, हम पिछले कई दिनों से आपको फॉलो कर रहे थे, मैंने कहा सर आप एक बार हमारे पास आइए, इंटरव्यू करिए अपना, और बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करिए, मतलब जैसे कि बच्चे हमारे, हाँ, काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहते हैं कि एक मोटिवेशन मिला रहना चाहिए हमारे लिए। तो सर अब आप क्या रणनीति बनाना चाहेंगे बच्चों के लिए कि मतलब जो तैयारी करना चाहते हैं नए सिरे से, बिल्कुल जो मतलब नए बच्चे जो अभी हाल ही में 12th किया है, कोचिंग वगैरह ज्वाइन ना की जाए तो क्या सिलेक्शन हो सकता है किसी? बिल्कुल, अपने बिल्कुल से आप अगर सेल्फ से सही स्ट्रेटेजी फॉलो करें तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो चुका है। आपको किसी भी तरह का पेड कोर्स, किसी भी तरह की यूट्यूब वीडियो की आवश्यकता नहीं, आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल सर मेरा ये है आपसे कि अगर हम आपका समय चाहें, जैसे संडे जब कोई आप फ्री रहते हैं, आपका 5 डे वर्किंग मुझे लगता है सेंट्रल जॉब में रहता है सर, सैटरडे और संडे आप ऑफ रहते होंगे,
तो क्या सर आप हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल पे कुछ सर अगर आप कर पाए तो सर ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हम बहुत समय से सर आपको फॉलो कर रहे हैं और ये सब आप इसके बारे में। अशोक जी मैं आपको मतलब ये चीज बताना चाहूंगा, अक्सर सैटरडे संडे मेरी कई सारी सेमिनार्स रहती हैं जहां मैं अक्सर जाता हूं। हाँ आप बताए देखिए सर मुझे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम समय आपके वाले बच्चों को भी दे पाऊं, क्योंकि जो मेरे टीचर्स रहे जैसे मेरे मैथ्स के टीचर थे 12th क्लास में नरेंद्र सर, वो कभी फीस वगैरह अगले कभी पुष्ट नहीं किया उन्होंने, मतलब जो मेरे गुरु रहे उन्होंने एजुकेशन के मामले में कभी पैसे नहीं देखे और एकदम फ्री एजुकेशन दिए मुझे। हाँ तो सर तो वो जो गुरु ऋण है वो तभी चुकाया जा सकता है जब आप इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करें। बिल्कुल, तो मेरी पूरी कोशिश कि आपके बच्चों को भी वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि सर आपके पास वो अनुभव है जो बहुत लोगों के पास नहीं है आज भी, मतलब 9 बार CGL का अनुभव एक बड़ा अनुभव होता है तो वो बच्चों तक जाएगा तो बच्चे काफी मोटिवेट रहेंगे और मतलब जो एक निराशा आ जाती है ना मन में, अरे के यार ऐसे करें कैसे करें नहीं हो पाएगा बिना कोचिंग, हमारे पास पैसा नहीं, दिल मतलब CGL हो या SSC का मतलब ये होता है सर कि दिल्ली जाओ तैयारी करो मुखर्जी नगर में वहां रूम लो फिर अच्छी सी मोटी सी फीस भरो तभी सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। यही बना हुआ है मतलब समाज में इस तरह से देखा जाएगा, यूपी बोर्ड वालों का नहीं होता भैया, अब तो CBSE बोर्ड वालों का होता है, इंग्लिश वालों का होता है। तो इस तरीके से सर अगर आप मोटिवेट करेंगे तो हमारे यहाँ जो अपना माय बिगेस्ट क्लास फैमिली है या हर तरह का बच्चा है, SSC की भी तैयारी कर रहा है, फॉरेस्ट गार्ड की भी कर रहा है, यूपी पुलिस की भी कर रहा है, UPSI की भी कर रहा है, BDO वगैरह के एग्जाम जो स्टेट एग्जाम होते हैं जैसा कि आपने सुना होगा इनकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन उनके अंदर बना रहेगा और आपका जो गाइडेंस मिलेगा वो सर उसका तो कुछ कहना ही नहीं। मैं इस पे 2-3 एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। जी सर, मान लीजिए अशोक जी पेन है। जी सर, ठीक है, या तो मैं पेन को उठाता हूँ या नहीं उठाता, कोशिश करने वाली ऐसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, मैं अक्सर कहता हूँ कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करना बंद कर दीजिए, पहले आपको डिसीजन लेना है आपको करना है या नहीं करना है, तो बीच वाला कुछ है नहीं। दूसरी बात कहेंगे कि भाई पहली बार में कैसे क्लियर होगा, पहली एक अटेम्प्ट लीजिए आप फुल फोकस के साथ, पहले अटेम्प्ट में क्लियर होगा गारंटी की बात है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि भाई कि अलग अलग एग्जाम की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। हाँ, SSC की अपनी अलग है, UPSC की अपनी अलग है और स्टेट एग्जाम की अपनी अलग है, पर जो हमारा मेंटल में नर्वस सिस्टम होता है जैसे आप खेतों में देखेंगे एक मेड़ बनती है जिसके थ्रू पानी फ्लो होता है, तो एक बार जब पहली बार मेहनत करते हैं वो एक बार मेड़ बना लेते हैं ना, तो आप उसमें से पानी बहाओ दूध बहाओ घी बहाओ सब बहेगा। बिल्कुल सर, तो वो वन टाइम एफर्ट होता है, फिर आप कितनी भी बार SSC दें चाहे BDO दें चाहे कोई भी एग्जाम दें तो वो हर एग्जाम आप एक बार में क्लियर कर सकते। मतलब आपके कहने का मतलब सर ये है कि एक बार आप अच्छे से स्ट्रेटेजी बना लीजिए, पूरे सिलेबस को समझ लीजिए, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप कोई भी एग्जाम दोगे संभावना रहेगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इवन SSC हो कोई भी एग्जाम। सर ये तो अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, हम आपसे लगातार टच में बने रहेंगे कि आप हमारे बच्चों के लिए आके मोटिवेट करते हैं। अंत में सर हमारे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब क्या सफलता का जो सूत्र आपका रहा है, मतलब क्या मोटिवेट देना चाहेंगे? मैं सफलता का सूत्र आपको एक कहानी के माध्यम से देना चाहूंगा। जी सर, ऐसा हुआ एक बार स्वामी विवेकानंद थे, वो नदी पार करने के लिए वेट कर रहे थे, तभी वहां पे एक संत आए, उन्होंने कहा अरे आप तो स्वामी विवेकानंद है और आपकी तो इतनी ख्याति है और आपने तो पूरे देश का नाम रोशन कर रखा, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला मैं नाविक का वेट कर रहा हूँ जो मुझे आएगा और नदी पार कराएगा। अच्छा, अब साधु बोलता है बताओ आप इतने बड़े संत हैं और आप इसको नदी को चल के पार नहीं कर सकते, मैं तो अभी 2 मिनट में पार कर दूंगा। वो साधु वॉक करता हुआ पानी पे और क्रॉस करके आ गया। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने पूछा उनसे कि आपको इस जो विद्या है आपको इसको हासिल करने में कितना समय लगा तैरने में? हाँ, ये जो चलने वाली है। बोले मैंने 15 साल की तपस्या की और मैंने विद्या हासिल कर ली पानी में चलने। जी जी जी, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप 2 मिनट रुकिए। नाविक आया, फिर बोले कि आप मेरे साथ बैठिए। दोनों ने नदी पार की और स्वामी विवेकानंद ने उसको ठंडी दी, 25 पैसे अपने और 25 पैसे संत के। तो उन्होंने बोला कि आपने अपने जीवन के 15 साल की जो आपकी वैल्यू ठंडी है, मतलब 50 पैसे की जो चीज हो सकती है आपने उसमें अपने जीवन के 15 साल गुजार दिए। तो अक्सर तैयारी करते वक्त भी हमारे साथ यही होता है, हम क्या करते हैं दुनिया भर का मटेरियल पढ़ लेते हैं, सारी चीज पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, उनका कोई रिलेवेंस नहीं है। मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को, एक तो सिलेक्टेड पढ़ो, ठीक है, जितना आपको मैं जो अगर मैं CGL के लिए मैं एक बार फिर से आपसे कनेक्ट हूंगा, एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, एक तो ये मेजर चीज है कि बच्चों को राइट मटेरियल पता होना चाहिए और राइट तरीका पता होना चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक बार में। दूसरी बात, अक्सर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं मैथ्स पढ़ते वक्त तो कान में ईयरफोन लगा लेते हैं, पूरे दिन मैथ्स सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सर, और उनको लगता है कि मैं तो 8 घंटे पढ़ रहा हूँ मेरे तो एग्जाम क्लियर। अब तो सर क्या ना SSC का थोड़ा पैटर्न भी बदला है, लेवल भी बदला है, पिछली बार क्या होता था कि बहुत इजी टाइप के, अब तो सर बहुत लेवलिंग क्वेश्चन मैंने देखा है SSC में, मैं वही चीज मैंने किया है तो उसको लेकर के। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका कि आप हमारे चैनल पे आए और हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही अपनी अगली मुलाकात माय बिगेस्ट क्लासेस परिवार के साथ दोस्तों होगी सर की, और कोशिश हम करेंगे कि सर का मोटिवेशन पूरा हमें मिलता रहे,
पूरी अगर संभव हो सका तो मैथ पढ़ाने के लिए सर को रखेंगे, क्योंकि सर ने जो भी कुछ किया है अपने बलबूते पे हासिल किया, मतलब किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। और आपने देख ही लिया होगा पूरी बातचीत के दौरान कि सर ने किसी भी कोचिंग का नाम यहाँ पर नहीं लिया है, कि उस कोचिंग से उस टाइम यूट्यूब तक नहीं था, मतलब वो एक वो जमाना था जब यूट्यूब भी नहीं था। आपने बताया सर यूट्यूब, तो आपके पास लाख साधन है कि आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, वेबसाइट वगैरह पे जाके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन किसी का भी कोर्स परचेज करके पढ़ सकते हैं, मतलब आपको घर बैठे बहुत सारा कंटेंट मिल सकता है। कि उस समय की बात है सर, जब दिल्ली में रहते थे और दिल्ली में एमबीए कर, मतलब एक एमबीए अलग फील्ड हो गया और एसएससी एक अपने आप में अलग फील्ड है बिल्कुल, तब जाकर के सर ने एसएससी सीजीएल को 9 बार निकाला है, तो आप क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है एक सही गाइडेंस की, सही दिशा में आगे बढ़ने की। सही, बिल्कुल सही है ना सर। तो प्यारे बच्चों, एक मैं स्पेसिफिक आपके इनके चैनल पर क्या नाम है सर आपके चैनल का नाम, माय वेगास क्लासेस पर एक हम प्रॉपर एक स्ट्रेटजी लेके आएंगे, जिसमें आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा मैथ्स कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, जीके जीएस कहाँ से पढ़नी है, न्यूज पेपर डेली पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो सारी जो आपको है ना मेन चीजें, देखो पहले तो ये था कि रिसोर्सेस नहीं थे, अब समस्या है रिसोर्सेज इतने हैं, उसमें से सही सिलेक्ट करना, सही सिलेक्ट करना है, सुई ढूंढने का बराबर है। तो वो मैं आपको गाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो। अब यूट्यूब पे सर दो तरह की चीजें हैं, एक तो गलत चीज है, मतलब गलत चीज का मतलब आप वेब सीरीज लगा के देख सकते हो, दूसरा ये कि आप किसी की क्लास भी देख सकते हो, तो उसके दोनों के अलग अलग हिसाब। अशोक जी एक और समस्या आ गई आजकल, जो कई सारे जो आजकल मैं नाम नहीं लूंगा बहुत फेमस फेमस फैकल्टी है, वो क्या करते हैं व्यूज पाने के लिए, अब प्रॉफिट लॉस की वीडियो है अगर आपको पता है, दो और दो चार होते हैं तो बस बात समझ में आ गई ना, उसके लिए 10-10 घंटे की वीडियो बनाते हैं, बच्चे एक एक टॉपिक में 10-10 घंटे वेस्ट करते हैं, तो वो समय है नहीं, तो वो सिलेक्टेड टाइम में कैसे करना है, वो मैं आपको एक बार फिर से एक वीडियो में न्यू मैं आपको कनेक्ट करूंगा सर को, बहुत जल्द मैं लेकर के आऊंगा। अभी तो सर का एक इंटरव्यू मुझे करना था, आपसे परिचित कराना था कि सर हमारे चैनल के साथ काम करने के लिए तैयार होते नहीं होते, वो तो सर बात की बात है, लेकिन वीडियो बीच बीच में सर की आपको मिलती रहेंगी। बाकी हम कॉन्टेक्ट ये करेंगे सर से, कोशिश करेंगे, मतलब रिक्वेस्ट करेंगे सर से कि चैनल पे आए और आप लोगों को गाइडेंस दें, मैथ पढ़ाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा सर से आने वाले समय में। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए, सर की और हमारी बातों में आपको क्या अच्छा लगा और क्या आप अपने सुझाव देना चाहते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, और भी फैकल्टी चैनल पे आती रहेंगी इस तरीके से इंटरव्यू के लिए, और सर से हम कोशिश ये करेंगे सर हमारे साथ परमानेंटली जुड़ जाएं, हालांकि सर का जॉब है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सर जो खाली समय बचता है वो हमारे चैनल के नाम करें। बहुत धन्यवाद सर का रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी धन्यवाद।